पिछले वीडियो से हम लोग जिन्होंने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास सिस्टम, अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप इसमें लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इस वीडियोस में, आप देखते हैं एक क्वेश्चन बनाइएगा इस पे। मान लीजिए कोई होता है इस पॉइंट पे, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। थ्री मासेस दिए हुए हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये कोई स्क्वायर है जिससे सेपरेशन बिटवीन टू मासेस के बिटवीन दिया हुआ है ए, जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। देखते हैं हम लोग पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट पे इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा किसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। फिर एम इस मान लेते हैं ये फर्स्ट, सेकेंड है, सेकेंड मास, थर्ड मास। तो फर्स्ट मास की फर्स्ट मास क्या करेगा इस पॉइंट, मतलब इस फिगर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। फिर थर्ड मास की तरफ वैसे ही उसी डायरेक्शन होगा। फिर इसके लेते हैं तो पी पे, पी पे क्या होगा इस मास की वजह से, सेकेंड मास की वजह से भी इधर की तरफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, पता होगा। तो ई वन निकालते हैं, जानते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर जो होता है सेपरेशन बिटवीन देम होता है, जिस पॉइंट से निकालना है जहाँ तक निकालना है, और मास तो दिया हुआ है, ये मास यहाँ पे है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है जिसकी वजह से निकालना है जी, मास यहाँ पे एन दिया हुआ है। आर क्या होगा, ये स्क्वायर दिया हुआ है, सब साइड इक्वल होगा, ए होगा जी एम बाई ए स्क्वायर। ई थ्री निकालते हैं, ई थ्री का मैग्नीट्यूड देखते हैं, का वैल्यू होगा जी एम बाई ए स्क्वायर, मतलब ई वन और ई थ्री जो है दोनों सेम है, लिख देते हैं ई वन इक्वल टू। मान लेते हैं इसका वैल्यू पी है, तो इसका जो वेक्टर है, वेक्टर से हम लोग निकालते हैं इसे ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो ये फर्स्ट मासेस की वजह से और थर्ड मासेस की वजह से जो इसका वेक्टर सब निकलेगा वो क्या करेगा कि इसको ऐसे बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये जो है फर्स्ट सेकेंड मास ये भी तो बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, और ये फर्स्ट और थर्ड मास ये भी बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब कि इसी डायरेक्शन में होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा रूट टू। निकाल के बता देते हैं कि रूट टू ही कैसे आएगा, तो ये देखिए इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ई वन और ई थ्री का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा ये स्क्वायर, स्क्वायर साइड निकालते हैं आया, और इसकी वजह से निकालना है, इसलिए निकालना है कितना आता है देखते हैं। इसलिए इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाई, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट और ये पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की डायगोनल का होता है फॉर्मूला रूट टू ए होता है, तो रूट टू ए ही डिस्टेंस होगा इसके बीच का, तो रूट टू ए का होल स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। निकल गया, फिर इसका यूनिट निकल गया, तो ये जो रूट टू ही आया और ई थ्री आया, वही मतलब जो नेट निकालना है हमें, तो इस दोनों का आया है वेक्टर सम इस डायरेक्शन में टू के डायरेक्शन में, और ई थ्री भी टू के डायरेक्शन में है, और हमें नेट निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों का सम कर देंगे, तो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा, इसी पे टर्म में लिख दीजिए का वैल्यू हो जाएगा वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री। ई वन और ई थ्री का हम लोग को आया है वेक्टर सम रूट टू ई प्लस
जी एम बाई ए स्क्वायर प्लस ई थ्री का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे जी एम बाई टू ए स्क्वायर जी एम बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो नेट इसका वैल्यू आएगा टू प्लस रूट टू प्लस वन बाई टू पी नेट हमें निकल गया ये हो गया तो इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू निकल गया अब हमें और मान लीजिए कि पी पॉइंट पे हमें बोलेगा कि फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालते हैं खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए ठीक है तो हम लोग देखते हैं पी पॉइंट पे बोल रहा है कि नेट फोर्स निकालना है मास दे दिया एम सॉरी एम वन दे दिया मास और तब अपन निकाल के देखिए तो ठीक है देखिए एम वन मास दे दिया तो इसको बोल रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा है एफ नेट जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब फोर्स जो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका निकालना है तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड नेट जो पी पॉइंट पे आएगा सो इनटू मास जो पी पॉइंट पे रहेगा सो तो ये हो जाएगा एफ ऐसे निकाल लेंगे हम लोग एफ नेट का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा जी एम बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू इंटू एफ नेट का भी वैल्यू इसी तरह हमें निकल गया तो अगर कोई बोलेगा कि किसी पॉइंट पे हमें सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो निकाल लेंगे हम लोग आराम से वेक्टर की सहायता से लेकर और बोलेगा कि फोर्स निकालना है थोड़ा भी घबराना नहीं है हमें पता है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं और उस पॉइंट पे जो मास दिया हुआ है वो मास हमें पता है तो हम लोग क्या करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास कर देंगे तो हमें फोर्स का भी वैल्यू निकल जाएगा ठीक है गाइस तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ओके तब तक के लिए बाय।